हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और आज का टॉपिक है ILO। देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। ILO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह मजदूरों और श्रमिकों के हितों के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया संगठन है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों और श्रमिकों से संबंधित समस्याओं को देखने और सुलझाने के लिए बनाई गई है। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इसके अंदर 187 मेंबर कंट्रीज है। देखिए, ILO 1946 से UN का ही एक पार्ट बन गया है। अब बात करते हैं ILO के फंक्शंस की, यानी कि ILO किस प्रकार के काम करता है। देखिए, ILO इंटरनेशनल लेवल पर मजदूरों को जस्टिस दिलवाने वाली संस्था है, ताकि विश्व में शांति और न्याय की स्थापना हो सके। ILO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक त्रिपक्षीय संस्था है। कहने का मतलब यह है कि ILO एक ऐसी संस्था है जो 187 देशों की गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और लेबर्स को एक साथ एक मंच पर लाता है, ताकि तीनों के बीच किसी भी मैटर पर डिस्कस हो सके, मजदूरों की समस्याएं सुनी जा सके, लेबर संबंधी नियम निर्धारित किया जा सके, और इसके साथ साथ मैन वुमेन दोनों के लिए रिस्पेक्टफुली काम करने को बढ़ावा दिया जा सके। और ये सभी कार्य एक साथ ILO जैसे संगठन में ही संभव हो पाई है। यह विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हेल्प करता है। जितनी भी सोशल और मजदूरों से संबंधित समस्याएं होती है, उनमें यह संगठन मेंबर कंट्रीज को हेल्प करता है। यह ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों की रक्षा करता है, जैसे कि काम करने का अधिकार जो होता है, या फिर लेबर्स को सुरक्षा देना। इसके अलावा ILO का मुख्य काम होता है मैन और वुमेन के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों को लाना, ताकि ये लोग रिस्पेक्टफुली काम कर सके और उनकी सेफ्टी और कंडीशन को ध्यान में रखकर उन्हें काम दिया जा सके। इसके अलावा सभी को सामाजिक सुरक्षा देता है ये, ताकि सभी मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। अब हम बात करते हैं भारत की। देखिए, भारत जो है वो ILO का संस्थापक सदस्य है। यह 1922 से इसका परमानेंट मेंबर है। इंडिया में 1928 में इसका फर्स्ट ऑफिस बनाया गया था। तो इस प्रकार से ILO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके लिए लॉ बनाता है, ताकि वे सेफ्टी से और रिस्पेक्टफुली काम कर सके।